अपने पिछले वीडियो में हमने फोर स्ट्रोक इंजन के चारों स्ट्रोक्स को बहुत अच्छे से समझा, पर फ्यूल का सिलेंडर के अंदर जाना और एग्जॉस्ट गैसेस का सिलेंडर से बाहर निकलना इतने परफेक्शन के साथ बार बार कैसे हो सकता है, और अगर ना हो तो क्या होगा? इस टेक्नोलॉजी के पीछे की हिस्ट्री क्या है, ये कहां से आई, और वीडियो के एंड में आपके लिए सवाल भी है। इस पूरे सिस्टम को कंट्रोल करने का काम कैम करती है। इंजीनियर्स को एक ऐसा परफेक्ट सिस्टम चाहिए था जो हर बार 100% एक्यूरेसी के साथ काम कर सके, क्योंकि अगर सिस्टम 100% एक्यूरेट नहीं हुआ तो मशीन में ब्रेक डाउन हो जाएगा। आइए अब जानते हैं कि ये कॉन्सेप्ट कहां से आया। कैम्स का कॉन्सेप्ट ट्रिप हैमर से आया है। पहले के जमाने में फौज के लिए लोहे के बड़े बड़े कवच बनाए जाते थे और उस मेटल को गर्म करके शेप देने के लिए बड़े बड़े हथौड़ों की जरूरत पड़ती थी, लेकिन समस्या ये थी कि इतने बड़े हथौड़ों को उठाएगा कौन और गर्म करने के बाद धातु को उनसे बार बार पीटेगा कौन। तब एक ऐसा रिपीटिंग सिस्टम बनाया गया जो कि 100% एक्यूरेसी के साथ काम कर सके। बाद में चलकर उसी को ध्यान में रखकर कैम्स को डिजाइन किया गया। अब आपके लिए एक सवाल, बहुत ठंडी जगह पर इस्तेमाल होने वाले डीजल और नॉर्मल डीजल में क्या फर्क है?